एक स्ट्रेंथ है, तो ये जी सिस्टम आपके साथ लिबर्टी भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि मैं तो उसे जेल भेजने की व्यवस्था भी करूंगा जी जो आप नहीं कर पाते। क्यों इसलिए नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, आपको दबाया जा सकता है, एक व्यवस्था को नहीं दबाया जा सकता जी। आप अपना परिचय दें, नोटिस भी जरा। ऐसा मैं नाम नवनीत गुप्ता है, मेरठ से बिलोंग, मेरठ यूपी से बिलोंग करता हूँ, और हमारा व्यापार की दृष्टिकोण से हमारा इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने का व्यापार है, किराने का व्यापार है। हाँ, इंटरलॉकिंग टाइल जो सड़कों में बिकती है सीमेंट वाली, उसका व्यापार है, और कोरोना के बाद से तो बहुत ज्यादा मामला डाउन है। ओके जी। और दूसरा क्या है कि वैसे हमारी संस्था अखिल भारतीय सर्वैश्विक एकता महासभा, तो वो हमने पूरे देश में चला रखी है, ऑल ओवर इंडिया, उसका राष्ट्राध्यक्ष नहीं। तो अपनी संस्था को आप कहिए कि वो सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल पर जाए और क्राइम फ्री भारत को नहीं, हम तो अपनी एक मीटिंग रखते हैं ना, जब अभी आप मीटिंग रखेंगे, हम आपको उसके अंदर गेस्ट के तौर पर रखेंगे फिर, और जूम पर हम ज्यादातर मीटिंग रखते हैं, क्योंकि अब जैसे ये कोरोना चला है। अब आप जूम पर मीटिंग नहीं रखेंगे, अब आप उस पर मीटिंग रखेंगे जो लिंक हम आपको देंगे, ठीक है ना जी। और वो जो है लिंक होगी माइक्रोसॉफ्ट टीम पे। जी जी जी। नहीं, एक बार हमारी आपकी वो और अपने सबसे भेंट हो जाएगी ना, उसमें परिचय हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरा एक जैसे भी इस लिंक पर रखिए ना। नहीं, आप अपना लिंक भेज देना हमें। हाँ, मैं लिंक अभी आपको बना के भेजता हूँ, आप जब भी मीटिंग में वो रख लीजिएगा, लिंक मैं अभी 2 मिनट में बना के भेजता हूँ। देखो, मैं तो बहुत काम करता हूँ जी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि मेरे पास कितने साल का समय है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मालूम नहीं जी। आंसर दी है, ठीक है ना जी। कितनी एज होगी भाई साहब आपकी, एज कितनी हो रही है आपकी? मैं अभी 1 साल पहले रिटायर हूँ। जी जी जी। मैं डीजी रेलवे था, मैं डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड डिस्ट्रक्शन मैनेजमेंट था, और लास्ट में जी 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 जी, ठीक है ना। और हमने जो है एक भारत शासन को एक प्रस्ताव भेजा है, भेजा नहीं है, जो कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, और एक नेशनल मिशन है क्राइम फ्री भारत। तो मैं उसका जो है मुख्य जो है प्रोजेक्ट लीडर हूँ। जी जी जी, समझ गए। लेकिन वो आएगा नहीं, इसलिए नहीं आएगा कि जहाँ आपके नेता 42% क्रिमिनल्स हैं, और 2024 में ये 50 का आंकड़ा क्रॉस कर जाने वाला है जी। तो ये बताइए, विडम्बना का विषय है कि चपरासी बनना हो तो आपको फाचिलक होना चाहिए, कानून बनाना बना बनने के लिए आपको मर्डर, रेपिस्ट और क्रिमिनल्स क्यों चलेंगे? मुझे इस बात का कोई शौक नहीं है कि मैं जो है उनको फाइनल कन्विक्शन के पहले क्रिमिनल कहे, लेकिन कैसे चरित्र के लोग कानून निर्माता भी क्यों है? आप उन्हें अपने पदों में भी आपको लगते हैं कि बहुत ही अच्छे बुरे आदमी है, तो उन्हें अपने संगठन का अध्यक्ष बना लीजिए जी। आप उन्हें हमारा प्रतिनिधि क्यों बनाना चाहते हैं? आप उन्हें कानून का निर्माता क्यों बनाना चाहिए कहते हैं? जिसको जेल में होना चाहिए उसको आप उसमें क्यों भेजना चाहिए? मतलब जो है जिसको पुलिस को पकड़ के जेल में भेजना चाहिए, पुलिस उन्हीं को कन्विंस कर रही है जी। आयात में बैठे हो, पुलिस नीचे खड़ी हुई, उनकी भी है। वाह, कैसे भारत का निर्माण किया है, सही कह रहे हैं आप। तो ये व्यवस्था जो है सरकार नहीं बदल पाई, देखो लगेगा ही है ये व्यवस्था, तो क्राइम फ्री भारत की व्यवस्था ही करना चलेगी, क्योंकि हमें पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा, और इकोसिस्टम में इतनी ताकत होना चाहिए कि ये नेता और ब्यूरोक्रेट से बदमाशी करें तो उन्हें डर लगे। आज ये इसलिए बदमाशी कर पा रहे हैं क्योंकि हमने एक अच्छा सिस्टम क्रिएट किया इसकी अकाउंटेबिलिटी के। अदरवाइज संविधान में तो लिखा है कि साहब ये पुलिस की जिम्मेवार है, तो यदि आपकी 80% FIR ही नहीं लिखी जा रही है, तो पुलिसिंग तो इन्होंने
जिम्मेवारी तो उन्होंने पूरी नहीं की है। तो संविधान में एक प्रावधान है आर्टिकल 356 जो कहता है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था का पालन नहीं होता है तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेजे माना जाए और ऐसी सरकार को ध्वस्त कर दिया जाए। यदि हम एक सरकार को ध्वस्त कर देंगे ना तो ये इनका बड़ बोलापन दो मिनट में खत्म हो जाए। जी जी जी। तो वो अकाउंटेबिलिटी पैदा करने के लिए सिस्टम को अवतरित करना, क्योंकि इसमें जिसके पैर में जहां भी बीमारी फटी हुई है सबका इलाज है, लिहाजा इसमें जो है सुनने की बहुत जोर से जरूरत है। आप यदि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करेंगे तो 400 से ज्यादा वीडियो है हमारी, कितने क्या बातचीत हो रही है वो सब उसमें। जी जी जी, ठीक है ना जी। और जो आपसे बातचीत करेंगे उसका वीडियो भी उस पर करेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो है प्राइवेसी में कोई बात नहीं करता जी, मुझे र्यूमर पर बात करने में कोई रुचि नहीं। यदि आप किसी बात को ऑन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो मुझे आपसे बात करने में कोई रुचि जी, क्योंकि यदि आपका चरित्र इतना दुर्बल है तो आप किसी अच्छी व्यवस्था का हिस्सा बन ही नहीं सकते जी। नवनीत जी, बात आपको हमारी ठीक ठाक लग रही नहीं? भाई साहब आप बात सही कह रहे हैं, ये हमारे समाज को समझने की बहुत सख्त आवश्यकता है और विशेषतौर पर समझने को तैयार ही नहीं है, है? हम लोग समझने को ही तैयार नहीं है भाई। आपको जो है देखो आपसे पैसा लिया जाता है, आपको लातें मारी जाती है, आपको गाली दी जाती है, आपको चोरी करने वाला कहा जाता है, आपको सम्मान नहीं दिया जाता है, मूर्ख बनाने के लिए आपको जो दो चार दिन जब वोट चाहिए होते तब आपको वो सत्ता डायरेक्ट पे भी बिठा ले, वो शुद्ध जो है ना मूर्ख बनाने के लिए जी। और क्योंकि कोई एंड टू एंड सोल्यूशन सोच ही नहीं रहा है, तो जब आप एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं सोचेंगे तो एंड टू एंड सोल्यूशन पैदा कैसे होगा? देखिए भाई साहब, आज वर्तमान में हमारे समाज की ये स्थिति है, वैश्य समाज के प्रति अगर कहीं कोई भी विषय होता है वैश्य समाज का व्यक्ति है तो इसका मतलब कि दूध देने वाली गाय है ये। हाँ, और दूध देने वाली गाय भी है और लात ना मारने वाली गाय भी है। हाँ हाँ, बात वही है, लात भी नहीं मारेगी और डंडे भी हमारे ही डंडे भी खाएगी और हमारे ही पैरों में पड़ी रहेगी हमारे। ये सच्चाई है आज वैश्य समाज की पूरे देश के अंदर, ये इसकी वही सच्चाई है जो अंग्रेजों के समय कांग्रेस की सच्चाई थी। अंग्रेज को जितने जो है ना कांग्रेस को जितनी भी लाते मारोगे चले के आएंगे और आपको कोई इंडिपेंडेंस नहीं मिलने वाली थी। यदि जो है ना सुभाष चंद्र बोस वहां से और आर्मी जो है सुभाष चंद्र बोस सीधे और सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज है जो उसका प्रोजिक्यूशन हुआ लाल किले में, उसके कारण जो है आर्मी में बहुत आक्रोश, नेवी में बहुत आक्रोश पैदा हो गया। उस आक्रोश से डर के इन्होंने आपको इंडिपेंडेंस दी, उन्होंने नेहरू और गांधी के कारण आपको जो है जो जो, जो साबरमती के सर तूने कर दिया कमाल, ऐसा कोई कमाल अमल नहीं हुआ है। ये बात उस समय के प्रधानमंत्री मिस्टर अटली ने कही है, जस्टिस चक्रवर्ती, ये चीज रिकॉर्ड में अवेलेबल है जी। समझ गए? तो जी अंग्रेजों ने कांग्रेस को भी उसी तरीके की दूध देती गाय माना और वो जब चाहते थे तब इसको लात मार भी मारते रहते और बाद में भी लात मार, उन्होंने ही इस देश को डिवाइड करा दिया। हा? नहीं, कांग्रेस तो अलग चीज हो गई, कांग्रेस तो क्लब टाइप उनका था, वो तो उन्हीं की संस्था बनी हुई थी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही तो भाजपा तो बनाई थी, वो अंग्रेज था, उसका तो भारत से कोई मतलब ही नहीं था। उसने इसलिए बनाई थी जिससे इन लोगों को मस्त रखा जा सके और इनके जो कर्तव्य है वो मालूम पड़ सके, उसको एज ए वेंटिलेटर यूज किया जाए और जिससे कि जो है आप चीजों पर उचित निर्णय ले सके और ज्यादा समय तक भारत पर शासन कर सके, इसलिए कांग्रेस बनाई। देखिए भाई साहब, हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे समाज वैश्य समाज के अंदर तीन श्रेणियां बन चुकी हैं। एक अपर क्लास हो गई, सेकंड क्लास हो गई, थर्ड क्लास हो गई। जो हमारे समाज की अपर क्लास है उसका किसी बात से मतलब नहीं है, चाहे वो व्यापारी में है चाहे नौकरी करने वाला है, पैसा कमाना मौज मस्ती करना,
जो सेकंड क्लास वाला है मरना उस व्यक्ति का है, उसको समाज को भी देखना है, समाज को आगे भी बढ़ाना है, और ऊपर वाले के हिसाब से भी चलना, नीचे वाले के हिसाब से भी चलना है। समाज के अंदर जितने भी धार्मिक काम होते हैं, किसी भी तरह का काम होता है, वो सारा बर्डन मिडिल क्लास के ऊपर है, क्योंकि मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है वो ही समाज के बीच में रहता है। नवनीत जी, मैं आपसे दूसरी बात कहता हूँ जी, जो आप ये धर्म का काम कहते हो ना, ये अपने आप को जो है दानी कहलाने के लिए है। हम उसे जो है ना खाना बांट के उसको डिपेंडेंट रखना चाहते हैं, हम उसमें उसकी ताकत क्यों नहीं देना चाहते हैं कि वो इतना अच्छा कमा सके जिससे कि वो खुद खाना जो है ना खा सके और बाद में जो है ना पैसा करके आपको भी खाना दे सके। धर्म के काम से एक अंतर आ गया, आप बात को समझे नहीं। जो मिडिल क्लास का जो व्यापारी है, चाहे वो मिडिल क्लास का व्यक्ति नौकरी वाला है चाहे व्यापारी है, मिडिल क्लास का व्यापारी वो आता है कि जो होलसेलर से भी नीचे आता है, रिटेलर जो व्यापारी है, उसने माल खरीदा, माल बेच दिया, कस्टमर को पहुंचाया, जिसको मेन उसकी आवश्यकता है। अब जितने भी समाज के बीच में धार्मिक काम होते हैं, किसी भी तरह की यात्राएं निकलती हैं, कोई भी सहयोग है, सारा बर्डन उसी के ऊपर है। वो नहीं, वो दो तरीके का हो गया है, एक तो वो हो गया है कि सामने वाला जाके उससे चंदा मांग रहा है, ठीक है ना। हाँ, बोल, चंदा ही तो हो गया। और दूसरा जो क्या है, जब वो जो है अपने आप को दानी बनाना चाहता है, वो अपने आप को सेठ कहता है, ठीक है ना। अजी, वो सेठ कहाँ कहता है, वो तो उसकी तो भाई साहब जीवन इतना नर्क है, सुबह को 6 बजे दुकान पर खोलता है और रात को 12 बजे दुकान से उठता है, ये पोजीशन है उसकी व्यापारी की। तो उस व्यापारी से कहिए कि उसकी जिंदगी में मैं परिवर्तन ला दूंगा, है ना, क्योंकि उसकी तो दिनचर्या यही बनी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ, जब आप मैं आपके जीवन में परिवर्तन ला दूंगा जी, और हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। दैट्स व्हाई इस जो हमने क्राइम फ्री भारत जो संस्था खोली है, या अभी ब्रांड नेम हो गया है, ठीक है ना जी। क्योंकि क्राइम वाला पार्ट उसका एक अलग है, एग्रो वाला पार्ट अलग है, आयुष वाला पार्ट अलग है, इंफोटेनमेंट वाला पार्ट अलग है, ई कॉमर्स वाला पार्ट अलग है, और वो कह रहा है कि सबको ही हमारे पार्टनर होंगे, हम पूरे इकोसिस्टम को जो है ना अपने कंट्रोल में करेंगे, जिससे कि आपको शासन और नेता तंग ना कर पाए, क्योंकि हमारा सिस्टम उनको कैप्चर करेगा 2 मिनट में ऑडियो वीडियो में, वो हमारे दायरे में जाके कोई भी बात करेंगे तो वहां पर सिस्टम ही लगे रहेंगे चारों तरफ, राइट। और सिस्टम जो है ना वो रियल टाइम बेसिस पे क्लाउड स्पेस पे जानकारी ट्रांसफर हो जाएगी, 2 मिनट में मानो प्राय FIR दर्ज हो गई, 2 मिनट में वो न्यूज वायरल हो जाएगी। तो एक ऐसा इकोसिस्टम की जरूरत है। देखिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि विक्टिम को खुद हर चीज के लिए परेशान होना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे हर व्यक्ति को अपनी समस्या के लिए खुद परेशान होना पड़ता है, यही हमारी सभी दिक्कतों का कारण है। यदि आपकी दिक्कत हमारी दिक्कत हो जाए, व्यवस्था की दिक्कत हो जाए, तो किसी की औकात नहीं है कि आप पूछा हुआ आया नहीं अभी करूंगा। नवनीत जी, ये बात समझ में आ रही है? नहीं, आपकी मेरी बात सारी समझ में आ रही है। बनवाने देखिए, आप जो विक्टिम होते हैं ना, तो आपका थाने वाला भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे आज का उठा दो दोनों। यदि यही बात जो है आप सिस्टम को कहते हैं, जिनके क्राइम फ्री भारत को कहते हैं, और क्राइम फ्री भारत उसके ऑडियो डिजिटल रिकॉर्ड के साथ जाएगा, तो किसमें दम है कि वो नहीं सुनेगा और कब तक नहीं सुनेगा? क्योंकि उसका खाता भरता जाएगा ना, घड़े में जा रहा ना, कैसे पाप का घड़ा भरता जाएगा, जिसके एविडेंस होंगे उस बात को कहीं ना कहीं तो उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, कहीं कोर्ट में, कहीं प्रस्ताव के तौर पर, कहीं पे असेंबली में, संविधान में। ये हमें एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, तो हम अकाउंटेबिलिटी पैदा कर पाएंगे। क्योंकि किसी ने एंड टू एंड सॉल्यूशन सोचा ही नहीं है, इसलिए एंड टू एंड सॉल्यूशन पैदा नहीं हुए। और ये जो पार्टियां बनाते हैं, ये तो अब तो सत्ता को लेने के लिए बनाते हैं। केजरीवाल ने तो ऐसे ही किया ना जी। केजरीवाल ने आशाओं का गला घोटा है, लोगों को बड़ी आशा थी कि केजरीवाल जो है से जो है ना देश की सभी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। तो इस दुष्ट ने जो है
देश की आशा को पे जो है कुठाराघात किया है, और ये दुष्ट वही सब कर रहा है जो नेता करता है। बताइए उसकी एक भी चाल ऐसी हो जो नेताओं से हटके हो। वो तो एक आईटीएम था, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकालना चाहिए, जैसे क्राइम फ्री भारत कह रहा है, उसने तो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नहीं निकाले। वो तो उसी गंदगी का हिस्सा बन गया। नहीं, हाँ या नहीं? जी सही कह रहे हैं आप, वो उसी गंदगी का हिस्सा नहीं बन गया जी। हम तो कह रहे हैं कि उसकी सोच में ही दम नहीं थी भाई। उसकी सोच ये थी कि हम एक लोकपाल पैदा कर देंगे तो देश जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। लोकपाल तो क्रिएट हुए 5-6 साल हो गए, लोकपाल की पोस्टिंग भी है। आपको मालूम है कौन लोकपाल ने दिया है? जी आपको मालूम है कि देश का लोकपाल कौन है? नहीं जी। तो आप बताओ वो लोकपाल कितना महान है जिसने अपना नाम भी सीक्रेट रख लिया, उससे किस अपेक्षा कर सकते हो? और उसमें क्यों ऐसा कर रहा है वो? क्योंकि उसे आगे जो है ना कहीं का एमएलए बनना है, कहीं का मंत्री बनना है। वो लोकपाल से संतुष्ट नहीं है, वो तो और कुछ भी बनना चाहेगा। तो उसे आपके भ्रष्टाचार से क्या लेना देना, उसे किसी के भ्रष्टाचार से क्या लेना? नवनीत जी आप जो है मैं लिंक अभी दे देता हूँ आपको, उस लिंक के सारे आप मीटिंग रखिए, हम पूरे समाज को जगा देंगे और समाधान हम लेके आएंगे। ज्ञान नहीं बांटेंगे, समाधान बांटेंगे जी। ठीक है ना जी? आप मेरी आवाज से लेके हर चीज में आपको चीज एक विश्वास समझ में आ रहा होगा जी, क्योंकि हम सिस्टम की बारीकियों को जानते हैं, इनकी दुष्टता को जानते हैं, इनके नंगे नाच को जानते हैं, तो उसे घेरने की क्षमता भी रखते हैं। क्योंकि आप तो उस समुद्र में रहे हैं तो आपको तो सारा ज्ञान है ही। हाँ मुझे जो है ना सब मालूम है कि ये लोग कितने नंगे हैं जी, हमारे पक्ष के भी और नेता पक्ष के। जी 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 क्योंकि वो तो जी स्पष्ट है, हमाम में तो जी सभी नंगे होते हैं, उसमें बिना उसके बिना काम ही नहीं चलता। ठीक कह रहे हो, कपड़े पहन के भी नहा सकते हैं। ठीक है उसका नाना थोड़ी कहलाता है, वो नाना नहीं कहलाता कपड़े पहन के, जब उसमें उतरते हैं वो ऑटोमेटिकली उतर जाते हैं। सही बात। चलिए अपन उसकी इंटीग्रिटी में नहीं जाते हैं, एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करें, और इस जो अंग्रेजों के द्वारा लाई गई व्यवस्था है ये आपकी समस्या का समाधान नहीं बन सकती। नहीं, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है, और ये चीजें अगर लोग समझ जाएंगे तो इस समाज के अंदर जो बुराइयां हैं वो बहुत हद तक उन समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी हम लोग ही समझने को तैयार नहीं है। जब आप जैसे लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों के पैर में बीमारियां फटी हुई हैं और हम उन कष्टों को झेल रहे हैं, तो सहसा कोई अच्छी चीज हो सकती है, इसे विश्वास करने का साहस नहीं होता है नंबर वन, और दूसरी बात है जब जब जिन पे विश्वास किया उन्होंने धोखा दिया है, तो कहते हैं ना दूध का जला छाक को कूट कूट के पीता है। नहीं भाई साहब वो बात सही है, एक्चुअली कारण क्या है, हिंदुस्तान जब से देश आजाद हुआ है हमारा देश, एक तो लोगों के पास सूचना आप आजाद हुए हैं क्या? आजाद तो आप हुए नहीं, जो भी आजादी पावर हुआ है उसी लॉ उसी कानून और उसी व्यवस्था के तहत आप बिल्कुल आजाद नहीं हुए। सही है, जो भी बात है, जो व्यवस्था है हिंदुस्तानियों के हाथ में आई है, ट्रांसफर हुई है, उस व्यवस्था के बाद हिंदुस्तानी आपके वो हिंदुस्तानी काले अंग्रेज हैं, वो आपको कौन सा जो है इज्जत दे रहे हैं? वो आपको चोर मानते हैं, वो आपके यहाँ पे रेंट देते हैं, आपके उल्टा आपका पैसा ले जाते हैं, आपका जो है ना ट्रायल करते हैं, जबकि जो है ना वहाँ जो उन्होंने किया है वो डकैती के श्रेणी में आएगा। जो उन्होंने आपके यहाँ रेड किया और आपकी कुछ संपत्ति कुछ छुड़ा के चुरा के ले गए हैं वो डकैती नहीं। तो आप चोर, वो जो है ना साहूकार, वो न्यायाधीश, आप चोर, आपकी संपत्ति थी, आपका सब कुछ थी जी, इसकी व्यवस्था है जी 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 जी। तो मैं जो है अभी आपको, हाँ मैं अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर आपको, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर से हेलो करूँ फिर मैं आपको भेजता हूँ। हाँ अभी करता हूँ मैं आपको। ओके सर, ठीक है ना, चलिए नमस्कार। अच्छा जी, नमस्कार जी।